हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 313 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आखिरी चैप्टर के एंड में हमने देखा था कैसे काजुया ने एक लड़की की हेल्प करी और मिजुहारा ने उससे पूछा था क्या वो लड़की क्यूट थी। काजुया ने कहा था हाँ, एक कॉस्प्लेयर को क्यूटी दिखना चाहिए। मिजुहारा ने कहा था ऐसा है क्या, और वो चली गई थी। अब काजुया सोच रहा था मिजुहारा को चेंज करना होगा, वो चेंज करने गई होगी और याइमोरी कब वहाँ आकर उसे घूर रही थी उसे पता ही नहीं चला। और वो कहती है मास्टर, मिजुहारा ने आपसे पूछा था ना कि क्या वो लड़की क्यूट थी। काजुया हैरान होते हुए कहता है तुम सब सुन रही थी। याइमोरी कहती है मेरे सुपर सेंसिटिव कानों को माफ कर दो। वो कहती है मिजुहारा का दिल क्यूरियस हो रहा था कि कैसे उसका बी लव्ड मैन किसी और लड़की को देख रहा था। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। काजुया कहता है तो मुझे क्या कहना चाहिए था। याइमोरी कहती है ऑब्वियसली तुम्हें कहना था वो यहाँ सबसे क्यूटेस्ट है। काजुया कहता है जैसे मेरे पास ये कहने की हिम्मत थी। याइमोरी कहती है तुम एक और स्टेप आगे बढ़ के ये कह सकते थे कि अगर मैं हाँ करूँ तो क्या तुम गुस्सा होगी। काजुया कहता है ये कैसा लेक्चर है। याइमोरी कहती है पर मुझे लगता है अगर तुमने ये सब कहा होता तो तुम नहीं रहते। और वैसे भी सिर्फ मिजुहारा ही जानती है वो तुमसे क्या कहलवाना चाहती थी। पर लाइफ का एक सच है ये कि लड़की की एक तारीफ उसका दिन बना देती है। अगले सीन में सब बाहर आ चुके होते हैं और याइमोरी कहती है सबने अच्छा काम किया। वो कहती है तुमने मुझे बचा लिया, हमने डबल से भी ज्यादा सेल करी, थैंक्स मिजुहारा। मिजुहारा कहती है मुझे खुशी है कि मैं हेल्प कर पाई। और काजुया सोच रहा था मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरा चांस था उसे शो करने का कि मैं कितना कैपेबल हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बीच में है और मैंने अपना टाइम और वेस्ट करवा लिया। याइमोरी कहती है जो हमने पैसे कमाए हैं क्या तुम सब उससे सेलिब्रेशन डिनर पे चलना चाहते हो। काजुया मन में कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। पर मिजुहारा कहती है सॉरी, मैंने बताया था ना मुझे नेल अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। याइमोरी कहती है हाँ मुझे पता है। फिर वो काजुया से कहती है हम काम में बहुत बिजी थे, मुझे लगता है तुम्हें मिजुहारा के बनी आउटफिट के बारे में कहने का टाइम ही नहीं मिला। काजुया के पसीने छूट रहे थे, वो सोच रहा था ये सब अचानक से, मैं रेडी नहीं हूँ। ये सच है कि बनी आउटफिट मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। तभी मिजुहारा कहती है बहुत हुआ, मुझे ये सब नहीं सुनना, अगर तुम अभी कुछ ऐसा कहोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझ पे मक्खन लगा रहे हो। और वैसे भी सब तुम्हें देखने आए थे याइमोरी, मैं इस तरह की चीज के लिए नहीं आई थी। तभी काजुया कहता है तुम क्यूट लग रही थी, तुम सबसे ज्यादा क्यूट थी। मिजुहारा कहती है ये मत करो, इस तरह से ऐसे वर्ड्स बोलना इस वर्ड के मीनिंग को कम कर रहा है, और मुझे पता है तुम इस तरह के इंसान नहीं हो जो ये सब कहे। काजुया सोचता है मैंने इतनी हिम्मत करके ये बोला था, ये कितना मुश्किल था। मिजुहारा उसे देखती है और कहती है सॉरी, अगर तुम सीरियस थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हूँ। काजुया मन में कहता है ये एंजल है, और याइमोरी का प्लान सक्सेस हो गया था। वो कहती है पास में ही एक टेंपल है वहाँ चलते हैं। मिजुहारा कहती है हाँ मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ। और काजुया सोच रहा था मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मिजुहारा आज मेरे साथ थी, जब हम पहली बार मिले थे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था हम तीनों एक साथ होंगे और इस तरह से एक इवेंट के बाद साथ में घर जाएंगे। वो स्माइल करता है और मन में कहता है मुझे याइमोरी को थैंक्स कहना चाहिए। वो फोन देखता है, आज 2 मई था। वो सोचता है बस 2 वीक बचे हैं, फिर 18 मई को मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सिर्फ हम तीनों का साथ रहने का एंड नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ मिजुहारा की नजरों में अच्छा इम्प्रेशन बनाने का चांस भी खत्म हो जाएगा। क्या हर रोज अपने आप को उसे दिखा पाना उसकी हाँ के लिए काफी होगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है सुनो मिजुहारा। मिजुहारा और याइमोरी दोनों हैरान हो जाती है। याइमोरी कहती है मास्टर आपने मुझे डरा दिया, आपने अचानक से क्यों चिल्लाया। काजुया कहता है कुछ नहीं भूल जाओ, और वो आगे जाने लगता है। याइमोरी कहती है आप तो अटेंशन के भूखों की तरह बर्ताव कर रहे हो, आप कुछ कहने वाले थे। वो उसके पीछे पीछे जाते हुए कह रही थी ये किस बारे में था, क्या ये प्लान का हिस्सा है। और मिजुहारा वहीं खड़ी देख रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।